बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहनें? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खुशबाश होंगी। तो जी मेरी प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को दिखा रही हूँ होममेड ज्वेलरी डिज़ाइंस। अगर आपको किसी में को भी होममेड ज्वेलरी बनाने का शौक़ है तो आप इस वीडियो से भी डिज़ाइंस कलेक्ट कर सकते हो। आपको इसमें तमाम के तमाम डिज़ाइन नज़र आ जाएंगे, बीड्स के, पल्स के, खट मोती के। आप अगर आपको शौक़ है और आप इसमें एक्सपर्ट भी हो, ये डिज़ाइन ऐसे ही कि जो आप इजली बना सकते हो। जस्ट आपको अगर थोड़ा बहुत इसका नॉलेज हो तो आप इस तरह के डिज़ाइन इजली बना सकते हैं। मुझसे उस दिन किसी ने कहा था कि प्लीज़ मैम आप उस तरह के डिज़ाइन भी दिखाइए कि हम जो घर पर बैठ कर ही इस तरह की बीट से, पल से, मोती सितारों से इस तरह की ज्वेलरी बना सके। तो उनके लिए ये वीडियो खास है। और बाकी आप सबको जिसको भी शौक़ है, जिसको आता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बेस्ट है। तो काइंडली अपने वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना है। आप इसमें तकरीबन तमाम के तमाम ज्वेलरी डिज़ाइन जो देखोगे उसे भी होममेड है, घर में ही बनाए गए हैं और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही प्यारे है। ज़्यादातर अपने इस तरह की ज्वेलरी जो सिंपल ज्वेलरी होती है कोरियन एक्ट्रेस को पहनती हुई देखा होगा, तो वहाँ पर इस तरह के होममेड ज्वेलरी बहुत ही प्यार से बनाई जाती है और बहुत शौक से बनाई जाती है, जो बहुत प्यारी भी लगती है। तो इस तरह की पल्स की, बीड्स की जो ज्वेलरी मैं लेकर आई हूँ तो ये भी आप ही इसलिए बना सकते हो। इसके लिए आपको जस्ट इस तरह के स्टेप लेने चाहिए। आपको मछली तार इसको कहते हैं, आपको इंडिया में, पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल होगा, तो वो तार आपको लेनी होगी। और इस तरह की स्टेप आपको मार्केट से मिल जाएगा। मार्केट में आपको जहाँ से लेसें मिलती है, जहाँ पर लेस वगैरह मिलती है, तो वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। बाकी वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना, आपने स्किप नहीं करना। मुझे ज़रूर बताना कि किस किस को शौक़ है होममेड ज्वेलरी पहनने का और बनाने का भी, और किसको आता है और किसको नहीं आता। तो जिसको नहीं आता उसे यही कहूँगी कि प्लीज़ सीख ले, आप सबके लिए ये बेस्ट है। और जिसको आता है तो उसको यही कहूँगी कि अच्छी बात है, आपने सीखा है और ये आपको बहुत ही काम आएगा। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप होममेड ज्वेलरी को डिज़ाइन देखना चाहती हैं या नहीं, और कौन सी डिज़ाइन देखना चाहती है, तो वो भी आप सबके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हो, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना डेरा डर ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।